हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पना। वेलकम टू माय न्यूज चैनल। आज मैं लाई हूँ समर सीजन का खूब खूबसूरत फ्लावर प्लांट 9 o'clock या पोर्टुलुका। ये मेरा पोर्टुलुका अगले साल के प्लांट है। ये समर ग्रोइंग प्लांट है। अभी मैं इसका कटिंग से नया पौधा उगाऊंगी, क्योंकि इसका अभी टाइम है कटिंग से नया पौधा उगाने के। समर में खूब अच्छी तरह गार्डन का शोभा बढ़ाएगी, इसीलिए अभी इसका कटिंग से पौधा उगाने के बेस्ट टाइम है। कैसे मैं कटिंग से इसका पौधा उगाऊंगी और इसका देखभाल कैसे करना चाहिए, वो सब आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। अभी टाइम है तैयार होना समर गार्डनिंग के लिए। 9 o'clock या पोर्टुलुका कटिंग को लगाने के लिए पॉट का माटी कैसे तैयार करना है, आइए पहले वो जान ले। 9 o'clock या पोर्टुलुका कटिंग से इजीली ग्रो होता है। यहाँ मैं 50% बालू मिट्टी लिया हूँ और 50% खाद लिया हूँ। मैं खाद में बामी कंपोस्ट लिया हूँ। मैं खाद बेसी लिया हूँ, 50% लिया हूँ। ये मेरा पुराना मिट्टी है। पुराना मतलब विंटर सीजन में ये मिट्टी लेकर विंटर सीजन का फ्लावर लगाया था, इसीलिए ये मिट्टी में ह्यूमस का परिमाण कम है। इसीलिए मैं 50% खाद लिया हूँ। तब मिट्टी में ह्यूमस का परिमाण अच्छा होगा, पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि मैं विंटर सीजन में यूज करने वाला मिट्टी लिया हूँ। विंटर सीजन में यूज करने वाला मिट्टी भी हम लोग फिर से यूज करने सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा पौधा ग्रो करने के लिए। सिर्फ खाद का परिमाण थोड़ा ज़्यादा देना होता है। अभी मैं मिट्टी और खाद मिला लिया हूँ। फिर से ये तैयार करा मिट्टी में दो भाग करूँगी। क्यों दो हिस्सों में बताऊँ वो भी रीजन है, पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी। मैं ये मिट्टी 3 गमलों के लिए तैयार किया हूँ पोटलों का कटिंग को ग्रो करने के लिए। मैं यहाँ बालू मिट्टी लिया हूँ। आप लोगों के पास बालू मिट्टी नहीं होने से आप लोग 50% नॉर्मल मिट्टी और 50% बालू लेकर तैयार कर लीजिए। बालू मिट्टी होने से पौधा अच्छी तरह ग्रो करेगा और इसका रोच भी अच्छी तरह फैलेगा, और पॉट में हम लोग जो खाद दिया हूँ वो सब अच्छी तरह यूज करेगा। और साथ ही साथ पॉट में बेसी पानी होने से ड्रेनेज होल से पानी भी निकल जाता है। अभी मैं दो हिस्से में बटने वाला एक हिस्सा में ये सब खाद मिलाऊंगी। ये केमिकल खाद पोटास और ये डीएपी दाना और ये अंडे का छिलका। मिट्टी के एक हिस्से में मैं ये सब डालूंगी। पोटास को मैं 2 चम्मच मात्रा में मिट्टी में डालूंगी। पोटास यूज करने से पौधे में ढेर सारा फूल आता है। पोटास को आप लोग फ्लाइंग टाइम में भी यूज कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मैं एक टेक्निक से पोटास को मिट्टी में मिलाकर पौधे को लगाऊंगी। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, तब पता चल जाएगा। डीएपी दाना को भी हम 2 चम्मच मात्रा में मिलाया हूँ। और मैं अंडे का छिलका को 1 मुट्ठी लिया हूँ। अंडे का छिलका को मैं दोनों पार्ट मिट्टी में 1 मुट्ठी करके डाला हूँ। अंडे का छिलका ऑर्गेनिक है, दूसरे पार्ट मिट्टी में भी डाला हूँ। बाकी सब केमिकल है, इसीलिए मैं एक पार्ट में ही केमिकल खाद को डाला हूँ। चारों मिश्रण को मैं अच्छी तरह मिला लिया हूँ। इसी तरह जो पार में सिर्फ मैं अंडे का छिलका मिलाया हूँ, उसी में मैं फंगिसाइड का पाउडर भी मिलाया। जिस तरह मैं मिट्टी को 2 हिस्से में बांटी हूँ, ठीक उसी तरह पॉट को मिट्टी को भी 2 हिस्से में डालूंगी। पॉट को नीचे वाला हिस्से में मैं केमिकल हार देने वाला पार्ट को डालूंगी, जहाँ में मैं पोटासियम और डीएपी दाना को डाला हूँ। वही हिस्से को पॉट का नीचे वाला हिस्से में डालूंगी। ओठो मिश्रण पॉट का नीचे वाला लेयर में जाएगा और पॉट को ऊपर वाला लेयर में मैं मिश्रण का अगले हिस्सा डालूंगी, जहाँ पर मैं बालू मिट्टी खाद
अंडे का सिल्का और फंगीसाइड पाउडर डाली थी। वो मिश्रण पॉट का ऊपरला लेयर में डाल रही हूँ जहाँ में केमिकल खाद नहीं है। इसी तरह पॉट का मिट्टी तैयार करने से पौधे का ग्रोथ खूब अच्छा होगा। पॉट का नीचे वाला हिस्सा में मैं केमिकल खाद दिया हूँ। जब पौधा बढ़ेगा और मैच्योर होगा तब तक केमिकल खाद अच्छी तरह मिल जाएगी। तब केमिकल खाद पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसीलिए मैं नीचे वाला हिस्सा में केमिकल खाद डाल रही हूँ। अभी मैं पुराना पोटलों का पौधे से कटिंग ले रही हूँ। पोटलों का जो भी कटिंग छोटा या बड़ा सारा अच्छे से ग्रो होता है। पोटलुका का कटिंग लगाने से पहले कटिंग को नीचे वाला पत्ता हटा देना चाहिए मिट्टी में डालने से पहले, तो भी अच्छे से ग्रो होगा, रोट्स निकलेगा। ऐसे मिट्टी तैयार करके कोई पौधा लगाने से बार बार खाद देने का आवश्यकता नहीं है। पूरा सीजन के लिए वही खाद काफ़ी है, सिर्फ पानी देने का जरूरत है। कटिंग को लगाने से आप लोग मिट्टी को हल्का हल्का हाथों से दबा दीजिए, टॉप एयरटाइट होगा, कटिंग को टॉप अच्छी तरह ग्रो होगा, रोट्स निकलेगा। पोटलों का आउटडोर प्लांट है, इसीलिए आप लोग पोटलों का को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, तभी अच्छे से ग्रो होगा और फ्लाइंग करेगा। खूब इजीली इसका कटिंग से ग्रो होता है। कटिंग लगाने के बाद आप लोग पानी डाल दीजिए और इसको छांव में रखिए। जब तक वो अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता है, अच्छे से ग्रो होने के बाद आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तब जब मेरा नया नया वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।